हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, ये देखो आपके लिए हिमाचली स्टाइल में अभी वो बनाने वाला कड़ी। ये दाल को, चने वाली को पूरी रात भिगोना है, उसको मिक्सी में ग्राइंड करना है और उसमें कुछ मसाले डाल के उसको ऐसे फ्राई करके बनाना है। देन यू दही को अपना बीट करके रखना है, इसमें थोड़ा धनिया वनिया कोरिएंडर डाल के। और ये देखो इसमें भी चने की दाल का पेस्ट डालना है दही में थोड़ा सा। और ये देखो ये कुल्लू मनाली वाली मिर्च है, मामूली नहीं है। इसके लिए स्पेशल आप कुल्लू जाना, पहले थोड़ी लेके आना झोला भर के और ऐसी बढ़िया बनाना। ये देखो भैया, ये मेरे को मेरी कुल्लू वाली दे के गई थी, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। देखो मजाक तो थोड़ा बहुत चलता ही है, पर मिर्च कुल्लू की है तो बस पकड़ लेना भैया, कुल्लू मनाली की हिमाचल। और लुक एट दिस टेस्टी मसाला, वाह आपका भाई क्या कुक है। थोड़ा सा प्यार नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, सब्सक्राइब प्लीज़। जो बोलोगे आपका भाई आपको खिलाएगा बना के। तारा भाई गोविंद नहीं है, तारा भाई मनुष है। तो भाई प्लीज सपोर्ट। फ्रेंड्स, अम्बाला की साइंस मार्केट, पूरे इंडिया में यहाँ साइंस का सामान सबसे ज़्यादा मिलता है, एक्सपोर्ट होता है। अम्बाला कैंट हरियाणा, एक्सपोर्ट भी होता है। रोहित कहाँ है पूछ लिया, स्केल्स है तो 100%। ये देखो फ्रेंड्स प्रूनर, इससे अपन हेज या कोई टहनिया वगैरह काटते हैं, तो छोटा प्रूनर है, इससे बड़ा प्रूनर दिखा देते हैं। ये कितना केजी कैपेसिटी है ये टोयो? 20 किलो। प्राइस 2200 रुपये 20 किलो। कोई अच्छा अपना 15-12 केजी वाला जो इतना चाहिए वो देख लो। हाँ वही देख रहा हूँ, ऐसा स्टील बॉडी में, स्टील बॉडी तो छोड़ो, पर मेरे को वही नहीं समझ आ रहा है क्या किया जाए। ये बोलते ये चार्ज नहीं होगा, ये सेल वाला तो मैंने लेना नहीं है। मुझे एक ही बात पता है, अपने अम्बाला से सस्ता नहीं मिलेगा, ऑप्शंस आप देख लो। वो भी है, जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, वो उसमें भी वो कर लेंगे नेगोशिएट। चलो ठीक है, और क्या आइटम चाहिए मेरे को, तो वैसे उनसे बात करता हूँ फोन पर। बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट फ्री है तो ज्यादा है। भाई साहब इसका लेस करके बताओ। कौन सा कौन सा रोहित? ये ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, 20 केजी कैपेसिटी, कितने का पड़ेगा भाई? टोयो का वेइंग स्केल बेस्ट मॉडल है, नहीं तो अगर आपने स्टीपल बेस्ट करना तो पीसी वाला भी ले सकते हैं आप। ये तो जैसे स्टेनलेस स्टील में आ गया ना, यूज तो चाहिए नहीं, यूज क्या करना है, यूज आइटम क्या तोड़नी है, तो चाहिए। यहाँ से ले जाए आपकी दुकान का नाम थोड़ा खराब कर रहा है। नहीं नहीं, वो हम चीप में भी ऐसा देंगे जिससे नाम बढ़ेगा। तो वो दो ना मेरे को, मतलब की सस्ता ये बेस्ट है जो आप ले रहे हो, इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं है। ऊपर हमने ज्यादा जाना भी नहीं है, यानी आता ही से जुड़े हुए हैं। ये प्रूनर जो है कम से कम इससे भी बड़ा है, तो ये तोड़ लिया मैंने, मोटी टहनियों काट काट के ना, जल्दी से तो नहीं टूटा। मैं दिखाता हूँ एक बार खोलना ये ना ब्रदर, इसका जो ये, हाँ ये देखो एक बार दिखाता हूँ, ये दांत नहीं है, ये ज्यादा मोटी काट काट के ये आधा खराब कर लिया। और इसका क्या प्राइस है? बड़ा बड़ा दिखा दो, मजा आएगा। भाई साहब इसका प्रूनर का क्या प्राइस है? ये मैंने ना इसके दांत तोड़ लिए, ये वाले शार्प शार्पनेस। अच्छा,
यही यही है ना अपना। अरे लंबा वाला लेना जिसमें आगे से ऐसे मछली कम होता है और पीछे से ऐसे होता है, उसे काटना आसान। वो देखो फिर भी इसका प्राइस क्या है इस प्रूनर का? 280 का साइंस का जितना भी सामान मैन्युफैक्चर होता है अंबाला कैंट हरियाणा, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, आप अंबाला में कहीं से भी आएंगे ये प्राइस नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज अंबाला कैंट हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग है साइंस का, एक्सपोर्ट भी होता है, भाई साहब से मिले। हेलो हेलो एवरीबॉडी, सर को कॉन्टैक्ट करें अंबाला कैंट में, मेन मार्केट में इनकी शॉप है। एड्रेस सर बता देते हैं अपना, ये सर का एड्रेस मैं दिखा देता हूँ आपको, इंडिया में ऐसा प्राइस नहीं मिलेगा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है सब साइंस का सामान, कोई भी चीज़ हो चाहे वो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप साइंस से रिलेटेड। ये वेइंग स्केल के लिए आए थे हम, मंगल सेन राजा राम जी, मैं इन पे बहुत पहले आया था गुप्ता जी पे, कुछ लेके गया था अपना घर का, मैं आया था आपके पास ना काफ़ी पहले, मैंने कुछ लिया था हिंजिस हैंडल्स वगैरह, हमने दौलत राम जी से भी लिया था सर। 20 साल हो गए घर को, तस से मस नहीं हुआ, सामान सब अच्छा लगा है इसलिए। अच्छे बंदों को अच्छा ही सामान जाता है। थैंक यू आपका धन्यवाद। वो ब्रास के कुंडे कब्जे थे, वो लखनऊ टाइप अंग्रेजों के ज़माने के, पता नहीं कहाँ से लिए थे, बिना लेकर हुए वो चमक नहीं गई उनकी। भैया कितने करने हैं फाइनल? प्रूनर भाई साहब मिला क्या बड़े वाला? कोई भी बार्गेनिंग नहीं होगी, सारे ऐसे ही। अच्छा ये तो कैंची है, दोनों में तो है ही नहीं। कितने पीस मिले? ये फ्रेंड्स कढ़ाई लेके चलेंगे खुले में, वाइल्ड में बनाएंगे। देखो रोहित ये जंगल में। हां ठीक है। और ये आप ये लाओ और साग लाओ, मनु मसाले का डब्बा सीधे का सीधा उठा कर लाओ। इधर है ना सारे मसाले। और ये साग हेलो जी, जंगल में बनाएंगे बाहर खुले में साग। सारे मसाले गिर जाएंगे, सीधा पकड़ो मसाले का। हाँ लो, गिर ना जाए ना कहीं। अभी तो नहीं गिरे होंगे, ऊपर ढक्कन है। हाँ उसमें वो डाल देते क्या साग? अभी तो गर्म तो होने देते ही, इतनी तेज आग में तो होगी होगी ना। ये लो फ्रेंड्स, साग बन रहा है टेस्टी टेस्टी, जंगल में मंगल हो रहा है। जीरा सॉल्ट, जीरा सॉल्ट, जीरा जीरा नहीं डालना, धनिया नहीं डालते साग। क्या क्या डालना? बस ये डालना, जो जो डालना आप डालना। हाँ क्या करिए, वो देखो उस पर बन रहा है कुछ। अब थोड़ी सी आवाज आने लगी, तेल गर्म होने लगा। आपने मेरे से मांगना, मैंने आपको पकड़ाते थे डालना, आपको वीडियो में बनाना था। जो जो चाहिए वो मेरे को डालो। हमें प्याज भुनेंगे पहले, घी डाल दिया,
दोस्तों आज खुले में साग बनाएंगे, आप सभी के साथ शेयर करूंगा मैं जरा अपना वाइल्ड में चूल्हा। अब तो ठीक लग गई, अब तो तेज हो गई काफी। हाँ ये जलती है, फिर से वाओ। ये देखो फ्रेंड्स, जंगल में मंगल हो रहा है आप सभी के लिए। मैं जंगल में मंगल करके मम्मी मैं और फ्रेंड, ये देखो टमाटो प्याज ग्रीन मिर्ची आपके लिए साग बना रहा हूँ। अदरक लहसुन प्याज सब सारे इंग्रेडिएंट जो आप साग में डालते हैं डालें, फैंटास्टिक बन रहा है। जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल। हल्दी बिल्कुल कम, मिर्ची पेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला एंड सॉल्ट, गरम मसाला और नमक। मसाला भून गया अभी आंटी, वो रहना टाइम अभी टाइम है, अभी अदरक लहसुन वगैरह। हाँ ये पूरा अच्छी तरह भून जाना चाहिए। जब क्या बोलते हैं हो जाएगा ना, ऑयल छोड़ देगा ये अच्छी तरह, मतलब जैसे घी या जो भी डालो। कपड़ा लाना पड़ेगा, छोड़ दे कोई बात नहीं। उस झूले पे नहीं, वो चिपड़े चिकने हैं, ये आपका जल जाएगा झूले पे कपड़े नहीं। चाल डाले, वाओ लाइट लाइट ठीक है। सॉल्ट डाल दिया, अब इसको बनने देते हैं 10-15 मिनट, फिर इसमें बेसन और कर डाल। फ्रेंड्स बन गई, जो भी बोल रहे हैं बोल रहे हैं।